जोहार आप सबको। देखिए, आपने लीवर फॉर यू देख रहे हैं। आप झारखंड कर्मचारी चयन का एक लेटेस्ट नोटिस है 7/6/23 का देख रहे हैं आज ही का, जो पीजीटी का एक रेगुलर वैकेंसी था 2/23 के द्वारा विज्ञापित हुआ था। इसमें देखिए कितना आश्चर्य का बात है, 3,355 आवेदन रद्द हो गया। रद्द करने का कारण भी देखिए कि आप पीजीटी के लिए अप्लीकेंट हैं, आपको अप्लीकेशन भरने में इतना मुश्किल हो रहा है। हमें ये वैकेंसी देख के इतना दुख होता है, कितने मुश्किल से चांस मिलते हैं वैकेंसी भरने के लिए और आप एप्लीकेशन ठीक से नहीं भरते हैं। इस वजह से अगर एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाए तो ये बड़ा दुख की बात है, वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आई तो ऐसे रिजेक्ट हो जाए। देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं कि आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहला गलती क्या था कि केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन आप पूर्ण कर लिए, केवल प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन, ये सब जो कैंडिडेट हैं सिर्फ प्रारंभिक चरण का रजिस्ट्रेशन पूर्ण करके उसके बाद एप्लीकेशन को छोड़ दिए। और जानते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या देखते जाइए, ये कितना बड़ा चार्ट आपको दिखेगा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ छोड़ दिए, वैकेंसी को नहीं भरे। वजह क्या होगा ये भी साफ हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको वैकेंसी भरना चाहिए था पूरा। देखिए, 2,974 2,974 लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए पीजीटी के लिए। फिर अब इसके बाद देखिएगा, जो प्रारंभिक चरण जो रजिस्ट्रेशन का है वो पूर्ण कर लिए, परीक्षा शुल्क भी भुगतान कर लिए, लेकिन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करें। और इसके वजह से देखिए कितने लोग हैं, इसके वजह से 167 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थिता रद्द कर दिया गया। तीसरा कैटेगरी में है देखिए कि सेम नेम फादर्स नेम ये सब है। इसमें समस्या क्या हुआ कि एक विषय पर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले, पता नहीं लोग एक से अधिक आवेदन इस युग में क्यों समर्पित करते हैं। जानते हैं कि उनका नाम आधार नंबर से तुरंत पकड़ा जाए, तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब करीब 214 है। तो आप अगर इन सारे को जोड़ेंगे तो देख लीजिए करीब 3,355 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द हो गई है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।